संश्री दिनेश भारती जी जो है वो राम मंदिर अयोध्या की जाने की तैयारियां कर रहे हैं और उनके भगतजन यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं खुशी मनाते हुए, और कहीं ना कहीं आज खुशी के आंसू भी हर हिंदू समाज हर संत समाज के चेहरे पर जो है वो देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयकारा मेरी माँ ज्योतियाँ ज्योता वाली जी का बोल सांचे दरबार की जय। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाही सर्वता। हे मैया रानी, हे भगवती महाकाली शक्ति पीठ की अधिष्ठात्री माता, श्री राम लला जी, मेरे राम लला जी 22 जनवरी को मैया अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद वो शुभ घड़ी आई है। हे मैया, अयोध्या जी से मुझे विशेष निमंत्रण आया है माँ, तो आज हम भी अयोध्या जा रहे हैं। आप आज्ञा करें, आप आशीष दे माँ, मेरे राम का यज्ञ सुंदर अलौकिक और दिव्य भव्य है मेरे राम, और वो निर्विघ्न संपन्न होगा, ऐसा आपके चरणों में वंदन करते हुए आपका आशीष मैया। जयकारा जगदिया ज्योता वाली मैया जी का दरबार की जय। आज्ञा करो माता। जयकारा महाकाली जी का बोल सांचे दरबार की जय। माता श्री महाराज मद सिंहासिनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता तुम वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमा मोहितम देवी समस्त मेत प्रसन्न ऐसे त्वयि वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं दीक्षामि बीजे पार्वती आशीर्वाद लेना। हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, तो मेरे राम लला 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं ना अयोध्या में, मेरे राम आ रहे हैं ना मैया, तो ऐसा आशीर्वाद दो मुझे कि हम अपने राम लला का दर्शन करके उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। माता तेरी जय हो। बोल कंजक देवी रानी की। Let's go!
के सनराइज के माध्यम से तस्वीरें इस समय आप गलवडे चक आश्रम से देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संत श्री दिनेश भारती जी जो है वो राम मंदिर अयोध्या की जाने की तैयारियां कर रहे हैं और उनके भगतजन यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं खुशी मनाते हुए, और कहीं ना कहीं आज खुशी के आंसू भी हर हिंदू समाज हर संत समाज के चेहरे पर जो है वो देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आप जो है वो कड़ी कम देखने को मिलती है। संत श्री दिनेश भारती जी खुद नाच रहे हैं, और इतना नहीं ढोल वाले को कहकर यहाँ बुला रहे हैं कि आइए भाई मुझे नाचना है, क्योंकि कई वर्षों से लंबा इंतजार जो है वो इस तरह से हमारे संत श्री दिनेश भारती जी कर रहे थे। आज अयोध्या जाने की तैयारी है, कितनी खुशी है, खुशी तो कहीं ना कहीं आज जो है वो खुशी के आंसू भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप सब तमाम हिंदू समाज को? नरेश जी, आपके चैनल के माध्यम से वाणी के पास शब्द नहीं है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ना जाने 2.5 लाख से ज्यादा कार सेवकों ने, भारत वर्ष के हिंदुओं ने, आम जन समाज ने भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के लिए 3.5 लाख से भी ज्यादा बलिदान दे दिए। हम लोगों ने 76 लड़ाई लड़ी है। 77वां संघर्ष 1984 को प्रारंभ हुआ था, जो आज सफलता के शिखर पे है। हमने कभी हमारे संकल्पों में विकल्प नहीं रहे नरेश जी, और आज अपने समस्त कार सेवकों को, उन सेवकों को, उन राम भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सबसे बड़ा श्रेय उनको दिया जा रहा है। और आज हम अयोध्या जी के लिए जा रहे, तो मैंने तो अपनी दिवाली आज ही मना ली, पटाखे भी, और मेरा समस्त जम्मू कश्मीर लद्दाख का समस्त समाज देश दिवाली नहीं महादिवाली बनाए 22 जनवरी को, इसलिए क्योंकि मुझे अभी अयोध्या जाना है, और ये मेरे शीश पर जो है ये मेरे राम के लिए है, इसलिए हर्ष उल्लास चेहरों पे प्रसन्नता है। पूरा भारत देखिए राम ज्योति, राम ज्योति का दर्शन, ऐसी राम ज्योति का अलग घर घर में जगाया जाए 22 जनवरी को, और हम जा रहे हैं। स्वामी जी हमने देखा आपने माता रानी से आशीर्वाद लिया, माता रानी से अनुमति ली कि मैं राम लल्ला जी से मिलने जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आप यहाँ पर जितनी पूजा अर्चना करते हैं, सब जितना समाज है बहुत खुश है। आज आपने उस माता रानी से अनुमति ली कि मैं राम लल्ला जी से मिलने जा रहा हूँ, क्या कहेंगे जी? मेरी माँ भगवती तो मेरी इष्ट है, भगवती के शक्ति के कारण ही हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, इसलिए माँ भगवती की आज्ञा सर्वप्रथम है। और मैया ने आज्ञा दी कि आपको अयोध्या जी से प्रधानमंत्री जी जहाँ अपने कर कमलों के द्वारा मेरे रामलला को स्थापित करेंगे, आपको विशिष्ट निमंत्रण आया है। मुस्कुराते हंसते हुए राम के गीत गाते चले हैं राम के भक्त राम के दरवाजे, और आप सभी राम भक्तों को यही कहना है कि घर घर 22 जनवरी को राम ज्योति जलाइए, दिवाली नहीं महादिवाली बनाइए, क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं।